सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को हराने का लिया संकल्प। लखनऊ ऑफिस में तेजेंद्र विर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला हमला। कहा भाजपा को हराएंगे भी हटाएंगे भी। मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुकाई दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो तीन कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे। और यूपी भाजपा कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक से पहले लखनऊ में हुई बैठक, भाजपा ऑफिस में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में भाजपा। आज दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। यूपी चुनाव के लिए आपने 6 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किया। आगरा कैंट से प्रेम सिंह जाटव, आगरा उत्तर से कपिल वाजपेयी, आगरा ग्रामीण से केशव कुमार निगम, आगरा दक्षिण से रमजान अब्बास को चुनावी मैदान में उतारा गया। फतेहाबाद से चंद्रपाल प्रहलाद सिंह गुर्जर, बाह से नीरज ककोरिया को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी चुनाव में आरएलडी की एक और लिस्ट जारी, छपरौली से वीरपाल राठी, बड़ौद से जयवीर सिंह तोमर को बनाया प्रत्याशी। चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा निर्णय। पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने पर किसी एक को ही चुनावी ड्यूटी में जाना होगा, एक को राहत। दंपति के आग्रह के हिसाब से फैसला लेने के निर्देश। सपा रालोद को समर्थन देने की खबरों का राकेश टिकैत ने किया खंडन। किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देने का दावा। कहा यूनियन से जुड़ा कोई बड़ा चेहरा नहीं लड़ेगा चुनाव। सरकार ने जो वहां पे वादा कर रखा वो वादा पूरा नहीं करा, तो हमारा पूर्ण रूप से सरकार का विरोध हम करेंगे 31 तारीख को। संगठन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ये रहेगा, जिसको वोट देनी होगी वोट अपना दे लगाओ, जिसको जहां देनी होगी। ये तो अपनी विचारधारा है इनकी सबकी, आप इसका खंडन, आपकी विचारधारा है इनकी सबकी विचार। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुई सरिता आर्या। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस ने सरिता आर्या को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया।